स्वागत है मेरा इस न्यू वीडियो में। देखिए दोस्तों, जो होंडा का WP20X जो मशीन है, WS20X जो एक्स जो मशीन है, इसमें स्टार्ट नहीं हो रहा है मशीन, और स्टार्ट ही नहीं हो रहा है इसमें। देखिए हम स्टार्ट नहीं हो रहा था, हम सबसे पहले देखें कि तेल मेरा आ रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो ये देखिए मेरा तेल स्विच ऑन है, और हम यहाँ देखते हैं नट खोल के कि आ रहा कि नहीं पेट्रोल। कार्बोरेटर का ओवरफ्लो नट हम लूज कर रहे हैं, देखिए पूरा हम खोल दिए फिर भी तेल नहीं आ रहा है। तो इसके कारण से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हम सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे, जो जहाँ फॉल्ट है वहाँ काम करेंगे, टंकी वंकी सब खोलेंगे, और कार्बोरेटर भी हमको खोलना पड़ेगा। तो सब क्लियर काम करके हम दिखाते हैं आपको वीडियो में, वीडियो पे मेरे साथ बने रहे। देखिए हम टंकी और कार्बोरेटर साफ करने का प्रॉपर तरीका हम बता रहे हैं वीडियो मेरे साथ, लेकिन बने रहना पड़ेगा। देखिए हम पहले फिल्टर बॉक्स को खोल लेते हैं, ये तो मेरा रहा फिल्टर बॉक्स, इसको हम खोल के हम दिखाते हैं आपको बारीकी से। देखिए हम जो फिल्टर का बॉक्स था वो सेटअप हम खोल लिया। सबसे पहले हमको करना क्या है, ये जो तेल स्विच है दोस्तों, ये तेल स्विच जो आया अपने कनेक्शन जो कार्बोरेटर में आया है, उसको हम खोल के दिखाते हैं आपको कि पेट्रोल आ रहा है। उससे पहले और कुछ दिखाते हैं कि टंकी में देख लीजिए मेरा तेल है, ये देखिए करीब आधा टंकी तेल है। तो उसको हम ढक्कन पर लगा लेते हैं, फिर से बंद कर लेते हैं, मेरा हाथ है बंद। अब हम दिखाते हैं इसको खोल के कि यहाँ से पेट्रोल मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको हम स्विच को पहले ऑफ कर लेंगे, ये हो गया मेरा ऑफ, ये देखिए खोल दिया हम। अब हम तेल स्विच को करते हैं ऑन, मेरा ऑन हो चुका है, ये देखिए मेरा तेल आ रहा है प्रॉपर, देख सकते हैं आप, देखिए मेरा यहाँ से तो आ रहा है। तो हमको क्या करना है, टंकी हमको छोड़ के कार्बोरेटर खोलना है हमको, देखिए प्रॉपर मेरा तेल यहाँ आ रहा है, और करीब ये 2 साल से मशीन रखा हुआ है, देख लीजिए कितना 2 मीटर लगा हुआ है। तो हम स्विच कर देते हैं बंद, फिर से हम फिर से एक बार मोटर की चेक कर लेते हैं, कहीं जाम वाम नहीं है, 2 मीटर फंसा हुआ नहीं, देखिए मेरा तेल आ रहा है प्रॉपर। फिर से हमको बंद कर लेना है स्विच को, पुराना तेल को भर देते हैं टंकी में, निकला हुआ तेल को। अब हम खोलते हैं कार्बोरेटर को, कार्बोरेटर खोल के हमको बढ़िया से साफ़ करना है, तब जाके होगा मेरा क्लियर। तो कार्बोरेटर खोलने के लिए हमको सब खोल लेना पड़ेगा, देखिए मेरा कार्बोरेटर भी निकल जाएगा। और कार्बोरेटर निकालने से पहले जो कनेक्शन जो है यहाँ स्पीड वाला तार को हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। तो इस तार को भी हम निकाल लेते हैं, दोनों तार को स्प्रिंग है, तो निकाल के दिखाते हैं आपको। खोलिए हम, अब इसको हम खोलते हैं पूरा पार्ट को साफ करते हैं, बहुत बढ़िया साफ करना पड़ेगा, तब जाके मेरा प्रॉपर काम करेगा, बढ़िया से साफ करना। अच्छा से तो हम दिखाते हैं आपको अंदर खोल के कहाँ कहाँ मारना, कहाँ साफ करना। ये देखिए कितना कचरा जमा हुआ है इसमें, तो इसी कारण से मेरा तेल नहीं आ रहा था प्रॉपर, तो हमको भी खोले हैं तो प्रॉपर साफ भी कर लेना पड़ेगा। तो हम साफ करते हैं बारीकी से, देखिए हमारे देखिए हम तेल स्विच अभी ऑफ करके रखते हैं, हो गया, और देखिए हम यहाँ भी इसको कार्बोरेटर में तेल गिरा के दिखा दें, कैसे गिराएगा तो दिखाएं हम आपको, कैसे दिखा रहे हैं। एक दिन कितना बहुत बढ़िया आ रहा है, पहले एकदम नहीं आ रहा था, इसलिए मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब हम इसको साफ करके रेडी कर लिए, अब हम साइड वाला कवर को लगा लेंगे इस कार्बोरेटर के, उसके बाद स्टार्ट करके देखने वाले हैं, स्टार्ट हो गया ठीक नहीं तो अभी हमको चेक करना है कुछ फॉल्ट वगैरह वगैरह। तो मेरा इधर तो अभी ओके हो गया, इसको हम लगाते हैं खाली, इसी को लगाना है हमको, लगा के स्टार्ट करके देखने वाले हैं। हम हो गया मेरा इधर रेडी, और हम अभी स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं आपको। सबसे पहले देख लेते हैं स्विच ऑन ऑफ, मेरा ऑन है कि ऑफ है, ये देखिए हम ऑन कर लिए हैं। अब हम मारते हैं हम किक, हैंडल को मारते हैं, देखिए मेरा एक ही किक में स्टार्ट हो गया, हो गया, वो उड़ान कर रहे हैं, इसको मिलाना है हमको।
देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है और एक किक में स्टार्ट हो रहा है। देखिए हम अभी रस्सी खींच रहे हैं। मेरा कंप्लीट सेटअप हो चुका है, अब हम मारते हैं, एक हैंडल स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑन कर लिए हम, मार रहे हैं स्टार्ट भी। देखिए मेरा मशीन स्टार्ट हो चुका है, प्रॉपर चल रहा है। देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।